हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ वीके टेक टीम में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जो गैलेक्सी टैब A8 है उसके अंदर आपको जो सेटिंग का सेक्शन है इसके अंदर हम आ जाते हैं, और हम लॉक के बाद ही जो बायोमेट्रिक एंड सिक्योर का सेक्शन है इसके बारे में हम करेंगे बात। तो बायोमेट्रिक एंड सिक्योर के सेक्शन में हम आ गए हैं, और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं सिंपली इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दिया गया है तो फेस रिकॉग्नाइज में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर से आप फेस अपना रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं, आपका जो फेस है वो रिमूव हो जाएगा। इधर से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। फिर आपको फेस लॉक हटाना हो, अनलॉक करना हो, फेस लॉक का सिस्टम हटाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टे लॉक वाइप, अगर आप डायरेक्टली फेस लॉक पे देखें आपका कैमरा अपने आप ऑन हो जाए। अबाउट सेक्शन में इसके बायोमेट्रिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब सिंपली मोर बायोमेट्रिक सेटिंग्स, इसके अंदर मोर बायोमेट्रिक सेटिंग्स के अंदर आपको दिख जाएगा शो अ लॉक ट्रांजेक्शन इफेक्ट, आपको लॉक ट्रांजेक्शन इफेक्ट दिखाई दिए जाएंगे। अगर मैं इसको सिंपली कर देता हूँ इनेबल, तो ये वाला जो सेक्शन है ये अभी इनेबल हो नहीं रहा है कि ये अंदर से कुछ सेटिंग्स, ये हमारा जो बायोमेट्रिक्स का हमने यहाँ से है ये फोटो जो सेक्शन है, फोटो का सेक्शन ये हमने हटा दिया है, तो इस वजह से ये लॉक बायोमेट्रिक्स का सेक्शन शो नहीं हो रहा। तो मैं फिर से एक बार फोटो को लगा देता हूँ फटाफट, और फिर ये वाला सेक्शन को हम देख लेते हैं क्या है ये सेक्शन। देख सकते हैं ये हमारा जो फेस हो चुका है कंटिन्यू। अब हम आ जाते हैं सिंपली लॉक बायोमेट्रिक सेक्शन के अंदर, शो अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट, आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स शो करेगा। आप देखते हैं, मैं इसको बैक करता हूँ और उसके बाद फिर आपका जो लॉक है इसको सिंपली कर देता हूँ मैं अनलॉक। आपका देख सकते हैं अनलॉक हो गया, देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इफेक्ट। ये इफेक्ट जो खुलते टाइम हम स्क्रीन को ओपन करते हैं तभी जो इफेक्ट शो करता है यही है वो इफेक्ट। इसे आप बंद भी कर सकते हैं चाहे तो, पर मैं इसे बंद ही कर देता हूँ। फिर गूगल प्ले प्रोटेक्शन है, इसमें सिक्योरिटी आपके गूगल प्ले की है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी अपडेट है, आपका जो पेचर अपडेट आया है वो। इसके बाद फिर सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट है, फिर फाइंड योर मोबाइल है, फिर इनक्रिप्टेड SD कार्ड है आपके पास। अगर कोई SD कार्ड डला हो तो आप इसमें से जाके उसे डिलीट कर सकते हैं इसमें, लेकिन शो कुछ कर नहीं रहा है कुछ भी चीज़ें अगर आपको इनक्रिप्टेड दिखाई दे रही हैं। उसके बाद फिर अदर सिक्योर सेटिंग में आप आ जाइए, तो मैं का पासवर्ड विजिबल, क्या आपका पासवर्ड विजिबल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका पासवर्ड विजिबल हो तो आप इधर से सिंपली इसको ऑन कर लीजिए। फिर डिवाइस एडमिन ऐप्स, जो आपका डिवाइस है वो एडमिन के कौन कौन से ऐप है। फाइंड माई डिवाइस, अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोन कहीं भी गायब हो जाए तो आपको पता चल जाए तो आप तो डिवाइस एडमिन ऐप, तो इसमें ये जो है ये एडमिन ऐप है, ये सिर्फ इसको एडमिन ही जो मोबाइल का मालिक है एडमिन है जिसके नाम से फ़ोन है, जो इसमें फ़ोन जिसमें जीमेल से रजिस्टर्ड होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है फाइंड माई डिवाइस का। आपका अगर डिवाइस कहीं भी घूम जाता है तो आप सिंपली जो सिक्योर सिंपली आप बायोमेट्रिक्स में आके सिंपली अदर सिक्योरिटी में जाने के बाद सिंपली जो आपका एडमिन ऐप का ऑप्शन आ जाएगा इसको आप ऑन कर देंगे तो आपको फाइंड जो डिवाइस है कहीं भी गायब हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा अपने आप, आपको नोटिफिकेशन आएगी। सिक्योर सर्टिफिकेट, आपको सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी दिया गया है जो भी इसका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन डिवाइस स्टोरेज, आपको डिवाइस का स्टोरेज दिया है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं हर प्रकार के वाईफाई के लिए भी सर्टिफाइड है ये पूरा का पूरा जो आपका ऐप है। फिर क्लियर कैडिनेशन है आपका। फिर इसके बाद फिर ट्रस्टेड एजेंट है आपका, स्मार्ट लॉक है गूगल, ठीक है ना। तो गूगल का जो आपका जो एजेंट है मेनली सारी चीज़ें जो गूगल के पास हैं, पिन विंडो। उसके बाद फिर सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट, कुछ भी सिक्योरिटी में पॉलिसी में चेंजेस आते हैं वो आपको उसको आपको अपडेट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की ये वीडियो बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, भारत माता की जय।